और इस वक्त की अहम खबर मंडीदीप से मिल रही है, जहां कामायनी एक्सप्रेस के पहियों से धुआं निकला है। यात्रियों में इसके चलते अफरातफरी मच गई। अब्दुल्लागंज स्टेशन पर इसके बाद कामायनी एक्सप्रेस को रोका गया है। बड़ी खबर आपको मंडीदीप से बता रहे हैं, जहां कामायनी एक्सप्रेस के पहियों से धुआं निकलने के बाद इसमें सवार यात्रियों में अफरातफरी मच गई और आनंद फानन में ट्रेन को अब्दुल्लागंज स्टेशन पर रोका गया है। इसको जांच इसकी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कामायनी एक्सप्रेस की। देवेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या है ये मामला? सर, मैं आपको बता दूं कि बनारस से मुंबई जा रही कामायनी एक्सप्रेस के जनरल कोच के पहियों से में अचानक धुएं के साथ आग लग गई। इसके बाद इस ट्रेन को इमरजेंसी में अब्दुल्लागंज रेलवे स्टेशन पर रोका गया और ये करीब करीब एक घंटे में इसका सुधार कार्य चला और उसके बाद इस ट्रेन को फिर यहाँ से रवाना किया गया। जैसे ही हुए की जानकारी लगते ही जिस कोच में जो यात्री बैठे थे वो आनंद फानन में कोच पूरे डब्बे से नीचे कूद गए और एकदम अफरा तफरी का माहौल वहाँ पे मच गया। और मैं आपको बता दूँ कोच क्रमांक 15456 एसी है जिसमें ये धुआं निकला था। हालांकि फिर एक घंटे इसको सुधार कार्य के बाद इस ट्रेन को यहाँ से रवाना कर दिया गया है शादाब, और ये पूरे शाम की घटना बताई जा रही है। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। इस पूरे मामले में पूरी चेकिंग की गई और उसके बाद एक बार फिर से इसे अपने सफर के लिए रवाना कर दिया गया।